हेलो गाइस, तो आज दिखाऊंगा मैं आपको महिंद्रा की मार्शल, जो कि अति दुर्लभ गाड़ी है जो शायद ही दिखने को मिलती है। वीडियो स्टार्टिंग से पहले दोस्तों एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूं पूरा कि कैसी है महिंद्रा मार्शल। ये जो गाड़ी देख रहे हैं दोस्तों वो है महिंद्रा की मार्शल डी आई। ये 1996 का मॉडल है दोस्तों। जी हाँ, 1996 का मॉडल है दोस्तों। ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है। ये दोस्तों अपने टाइम में थार कहलाती थी, थार से कम नहीं थी ये गाड़ी अपने टाइम में। आज शायद ये देखने को नहीं मिलती कहीं पे भी, और इसका उत्पादन भी बंद कर दिया है कंपनी ने। इस गाड़ी की दोस्तों और एक बात बता दूं, इसकी जो छत होती है वो पीछे से थोड़ी ऊपर की ओर होती है, और जो दोस्तों महिंद्रा की आर्मडा गाड़ी आती है उसमें सेम ही रहती है पूरी, पर मार्शल में पीछे की ओर थोड़ा ऊपर होती है। दोस्तों अगर इस गाड़ी की हम शेप की बात करें तो महिंद्रा आर्मडा और महिंद्रा बोलेरो जैसी शेप दिखती है इसकी पूरी। ये दोस्तों बोनेट का लॉक है, यहाँ से बोनेट खुला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो सामने महिंद्रा की बेजिंग, कोई महिंद्रा का लोगो नहीं है, सिर्फ बेजिंग ही है, नाम ही लिखा हुआ है सिर्फ। और सामने दोस्तों ओरिजिनल सिग्नेचर डिज़ाइन, जो कि महिंद्रा की मेजर जीप आती थी उसमें जो डिज़ाइन होती थी 6 स्लॉट ग्रिल की, वो यहाँ पे सामने दी गई है। ये ग्रिल दोस्तों देख सकते हैं 6 स्लॉट ग्रिल है ये। कई गाड़ी में 5 आती है, कुछ में 7 स्लॉट पे ग्रिल आती है, इसमें 6 स्लॉट ग्रिल है। और सामने 2 हेलोजन लाइट राउंड शेप की। और इसकी दोस्तों बम्पर की बात करें तो काफ़ी ख़तरनाक बम्पर है इसका आगे का, जो कि सीधा चेसिस में अटैच किया हुआ है। यहाँ पे साइड सिग्नल भी आती थी जो कि पूरा टूट चुका है। दोस्तों इसकी साइड व्यू की बात करें तो हम साइड में आपको मिलेगा डी आई की बेजिंग, जो कि दोस्तों इसका डी आई इंजिन है पूरा। और फ्रंट डोर पे मार्शल की बेजिंग, यहाँ पे दोस्तों डीजल का कैप, और पीछे यहाँ पे स्पेयर व्हील लगाने के लिए। और ये जो जुगाड़ देख रहे हैं दोस्तों अलग से किया हुआ है, कंपनी की ओर से नहीं आता था ये। यहाँ पे भी एयर विंडशिप, गाड़ी के अंदर एयर होती है वो यहाँ से निकल जाती है बाहर। अब दिखाता हूँ दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन। ये देखिए दोस्तों पूरा राउंड शेप का व्हील अटैचमेंट है यहाँ पे, जो कि पुराने मेजर और कमांडर जैसी जीप में आया करते थे। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आज देखने को कहीं नहीं मिलती। यहाँ फ्रंट में भी 2 ताकतवर लीव स्प्रिंग भी दिए हुए हैं। आगे की साइड में दोस्तों लीव स्प्रिंग के साथ 2 टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आगे की साइड में कोई डिस्क ब्रेक नहीं है दोस्तों, सिर्फ ऑयल ड्रम ब्रेक्स ही हैं, और पीछे की साइड भी ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे आपको। दोस्तों पूरा सस्पेंशन को स्टेबिलाइजर रखने के लिए एंटी रोल बार भी दिए हुए हैं। यह है दोस्तों यूनिवर्सल जॉइंट, जो कि गेयरबॉक्स से सीधा डिफ्लेक्शन की ओर जाता है। यह है लॉन्ग पूरा ड्राइव शाफ्ट। यह है दोस्तों हैवी डिफरेंशियल, और पीछे भी दोस्तों 2 शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएंगे आपको। आप इसकी फ्रेम देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मजबूत चेसिस की फ्रेम है, किस तरह से पूरी बॉडी को यहाँ पे चेसिस के ऊपर बिठाया गया है। ये दोस्तों ड्राइव शाफ्ट कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। और दोस्तों इसकी डोर की बात करें तो पूरे 10 स्क्रू पे एक डोर खड़ा हुआ है इसका पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 स्क्रू पे एक जॉइंट है पूरा। चलो मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों स्टीयरिंग व्हील,
यहाँ पे दोस्तों थ्री पेडल कंट्रोल्स, क्लच, ब्रेक और एक्सलेटर, और यहाँ पे फोर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर, और सामने दोस्तों पूरे स्पीड मीटर। इसके स्पीडोमीटर में दोस्तों 140 तक बताया गया स्पीड पर, 80-80 चल जाती है ये गाड़ी, और माइलेज 14 से 15 तक देती है ये सिंपल DI इंजन। सामने आप दोस्तों म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल कंपनी की ओर से नहीं आता था ये। और लेफ्ट में ग्लो बॉक्स, और सामने देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा बोनेट, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो चलो एक बार आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। रखता है वीडियो, क्लच देखिए दोस्तों क्या बात है, वो एकदम मतलब ट्रैक्टर का ये हुआ न्यूट्रल, क्लच दबा के लाइट होता ही। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे डिफिकल्ट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील में दोस्तों बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत हैवी स्टीयरिंग है इसका। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों इसका स्टीयरिंग व्हील, जितना ये गाड़ी दोस्तों दिखने में यूनिक है उतना चलाने में भी बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों ये गाड़ी। और इसका साउंड दोस्तों बिल्कुल ट्रैक्टर की जैसा है, स्वराज और महिंद्रा की ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है सेम उसी प्रकार का इसका साउंड है। यहाँ पे दोस्तों कोई पावर स्टीयरिंग नहीं है, दोनों हाथों से जोर लगाना पड़ता है, जितना आपकी ताकत होगी उतना जोर लगाना पड़ेगा इसमें चलाने के लिए। दोस्तों गाड़ी ड्राइव करने से पहले दिखाना चाहूँगा इसके गियर पैटर्न। तो इसमें गियर लगते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, सामने थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पे रिवर्स, यही दोस्तों इसका पूरा गियर पैटर्न। फर्स्ट गियर लगा के दोस्तों धीरे धीरे क्लच छोड़िए, गाड़ी अपने आप बढ़ने लगेगा, कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है इसमें, काफ़ी दमदार गाड़ी है ये। ये गाड़ी दोस्तों 96 का मॉडल होने के बावजूद भी एकदम बढ़िया चलती है, इसका गियर भी पूरा स्मूथली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ थोड़ा चलाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर आप ट्रैक्टर चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चलाने में, वरना शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये काफ़ी भारी गाड़ी और चलाने में भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे ज़्यादा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत हार्ड है दोस्तों चलाने में। ये दोस्तों 27 ईयर्स ओल्ड मॉडल है ये, यानी कि 27 साल हो चुके इस गाड़ी को दोस्तों, फिर भी ये एकदम मस्त चल रही है दोस्तों, अभी भी वर्किंग कंडीशन में दोस्तों। और ये जो इनके ओनर है किशोर भाई, बहुत संभाल के रखी है इन्होंने इस गाड़ी को, जो कि इनके घर पे ही रहती है ये गाड़ी। आप सोच सकते हैं दोस्तों इतने साल होने के बावजूद भी इसमें कोई जंग नहीं लगा। हाँ थोड़ा आगे का ग्लास खराब हो चुका है, जो बारिश के टाइम में जो पानी होता है उसमें जमा हो चुका है उसकी वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में दोस्तों, अभी भी दोस्तों इस गाड़ी में जंग नहीं लगा, कहीं पे भी थोड़ा सा भी जंग नहीं है। ये पूरा कंपनी का ही कलर है दोस्तों, ये आप नेवी ब्लू जैसा कलर दिख रहे हैं, पूरा कंपनी का ही कलर है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सर्दियों के टाइम में भी ये फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी दोस्तों ये, जी हाँ दोस्तों सर्दियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके इंजन को, चाहे कैसा भी कोल्ड स्टार्ट कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बारिश के टाइम में, सर्दियों के टाइम में
टेम्परेचर का कोई असर नहीं है दोस्तों इस गाड़ी पे, एकदम मस्त चलती रहती है ये। इस गाड़ी को दोस्तों संभालना भी बहुत मुश्किल है, काफ़ी भारी स्टीयरिंग है इसका, जो कि काफ़ी जोर लगाना पड़ता है दोस्तों, तभी गाड़ी मोड़ ले सकती है। हल्के हाथों से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ज़्यादा रेत होने की वजह से यहाँ पे गाड़ी रेत में धंस जाती है, और अब इसको यहाँ से हम निकालेंगे रेत से। तो दोस्तों लाइव डेमो देखिए इसकी पावर, क्योंकि पूरा रेतीला रास्ता है उसमें किस तरह से निकलती है ये गाड़ी, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आगे के टायर पूरे धंस चुके हैं रेत के अंदर। ले जाओ गाड़ी, हाँ तो देखा दोस्तों किस तरह से निकली रेत में से ये गाड़ी। इन्हीं रास्तों पे दोस्तों यही गाड़ी चल सकती है, और कोई गाड़ी की बस की बात नहीं है यहाँ से निकलना। यहाँ पे स्विफ्ट और अल्टो जैसी गाड़ी तो भूल कर भी मत लाना, काफ़ी मजबूत गाड़ी है दोस्तों ये। जिस तरह से महिंद्रा की मेजर आती थी, कमांडर आती थी, उसी टाइप की ये गाड़ी है दोस्तों, जो कि कैसा भी ऑफ रोड हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसमें चार गियर होने के बावजूद भी अच्छी खासी पावर जनरेट करता है ये, जो कि काफ़ी हद तक सही है। मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको चला के दोस्तों, काफ़ी पुराने होने के बावजूद भी अच्छा चलता है ये। फीचर कोई भी फीचर नहीं है दोस्तों, सिर्फ पावर ही मिलेगी आपको इस गाड़ी में, फीचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे इस गाड़ी में, ना म्यूजिक, ना एसी, ना बैटरी चार्जर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे फीचर। सभी पुराने ज़माने का नॉर्मल जिस तरह से गाड़ी आती थी उसी टाइप का ही यहाँ पे फीचर मिलेगा इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे सिर्फ पावर की बात है दोस्तों, सिर्फ पावर की। इस गाड़ी में जो पावर है दोस्तों कोई गाड़ी में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि काफ़ी दोस्तों पुराना मॉडल है, 1996 का मॉडल है दोस्तों, आप समझ सकते हो 27 ईयर्स हो गए इस गाड़ी को, फिर भी देख सकते हो आप दोस्तों गाड़ी के अंदर का इंटीरियर देख सकते हैं पूरा, क्योंकि उस टाइम में भी ये लोगों को अच्छा लगता था। एकदम सिंपल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से होता है गाड़ी बंद, इस चौक को खींचने पर गाड़ी बंद होता है। यहाँ पे सिस्टम दी गई है इसकी गाड़ी को स्टॉप करने की, इस तरह से खींचोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा। यहाँ पे चाबी लगती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ इसके मीटर के बारे में, सबसे पहला मीटर है दोस्तों टेम्परेचर मीटर, और जस्ट उसके नीचे है वो आरपीएम मीटर, बीच में बड़ा सा मीटर है वो स्पीड का मीटर है, और जस्ट उसके साइड में सबसे पहला बैटरी का मीटर है दोस्तों, और सबसे नीचे है वो फ्यूल का मीटर है। ये टोटल 5 मीटर है इसके। मीटर के जस्ट साइड में ग्लव बॉक्स है इसका, यहाँ पे कोई भी सामान रख सकते हो आप, और ये है इसका पैरा सा स्टीयरिंग व्हील। हाँ तो चलो दोस्तों एक बार देखते हैं इसका इंजन, ये खुल गया इसका बोनेट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों महिंद्रा का DI 4 सिलेंडर डीजल इंजन। इसका इंजन दोस्तों 2500 से 2600 सीसी इंजन होगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इंजन की कंडीशन अभी भी एकदम ठीक ठाक इंजन है ये, और इसमें जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर सब ट्रैक्टर के ही यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों महिंद्रा का ट्रैक्टर और सभी पार्ट सेम ही है इसके, तो ट्रैक्टर के भी कुछ चीज़ें इसमें काम आ जाती है। कंपनी का काम है दोस्तों, एकदम बढ़िया चलती है ये गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें,
आज 27 ईयर्स हो गए इस गाड़ी को, फिर भी एकदम गुड कंडीशन। इंजन का काम हुआ ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे सभी जो मेंटेनेंस लगता था वहीं लगा है इसमें। बाकी इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अभी भी सब कंपनी फिटिंग की चीज़ें हैं सब। ये एकदम भारी बोनेट इसका, यहाँ पे सभी चीज़ दोस्तों मेटल की बनी हुई है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है। सभी दोस्तों पूरा यहाँ पे लोहा भर भर के इस्तेमाल किया है कंपनी ने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल तरीके से लॉक होते हैं ये इसका पूरा बोनेट, आपको यहाँ पे कहीं प्लास्टिक दिखने को नहीं मिलेगी, पूरा लोहे का भरा हुआ है। ये पीछे का डोर है दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस है, 6 लोग यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और सेंटर में भी 3 लोग बैठ सकते हैं और ड्राइवर के पास भी 2 लोग आगे भी बैठ सकते हैं। टोटल 10-12 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार आपको इसके इंजन का साउंड सुनाता हूँ। इस गाड़ी का दोस्तों साउंड कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा मुझे, और ये गाड़ी कैसी लगी आपको, एकदम हेलीकॉप्टर जैसा इसका साउंड है। देखो यहाँ पे निकली थी गाड़ी, यहाँ पे धस चुकी थी मेरे से, आगे से कंट्रोल नहीं हो पाई इसलिए यहाँ पे धूल में चली गई गाड़ी, देख सकते हैं। ऐसे रास्तों पे भी निकल गई थी गाड़ी आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई इसको। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस गाड़ी के बारे में एक बार कमेंट में बताइएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, महिंद्रा मार्शल। ये गाड़ी दोस्तों 1996 से 2006 तक चली थी ये गाड़ी, क्योंकि इतना ही सफ़र रहा था इस गाड़ी का, फिर कंपनी ने इसको बनाना बंद कर दिया। महिंद्रा कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो फीचर से ज़्यादा ये मजबूती पर ध्यान देती है दोस्तों। जी हाँ, महिंद्रा कंपनी अपनी बिल्ड क्वालिटी से जानी जाती है, वो तो आप सभी को पता ही होगा कि 1953 से ये गाड़ी बनाना स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक का BS6 तक उसका सफ़र रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, महिंद्रा इज बेस्ट। ये गाड़ी दोस्तों हमारे गांव की किशोर भाई रुडानी की गाड़ी है ये, तो सबसे पहले तो इनको दिल से शुक्रिया था, इन्होंने अपनी गाड़ी हमको टेस्ट ड्राइव के लिए दिया था। इस गाड़ी को दोस्तों काफ़ी संभाल के रखा है इन्होंने, अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि ये सेकंड ओनर है इस गाड़ी के, आप देख सकते हैं दोस्तों। एकदम बढ़िया क्वालिटी दोस्तों, काफ़ी मजबूत गाड़ी है, आज के टाइम में ये दिखने को भी नहीं मिलती कहीं पर। ये था दोस्तों महिंद्रा मार्शल का वीडियो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।